नूरपुर के गनोह के स्वदेशी गौशाला के ऋषि डोगरा ने बताया कि पिछले कई ढाई वर्षों से लगभग स्वदेशी गाय की नस्ल पर कार्य कर रहे हैं। इस गाय की नस्ल पर कार्य करने का लाभ ये है कि भारत की भूमि व प्रदेश की भूमि केमिकल युक्त हो चुकी है और आने वाले समय में बीमारियों को बहुत बड़ा कारण बनने को तैयार है। किसानों को प्रेरणा देने के लिए भारत की जो उच्चतम नस्लें जैसे साहिवाल, राठी इत्यादि नस्लें हैं, इन नस्लों को पालने का लाभ ये रहेगा कि इससे आधारित जो कृषि होगी उस पर हम अपने आप काम करेंगे। इस नस्ल के गोबर गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को तैयार करके अपने आप को एक व्यवसाय के रूप में भी इसको ले सकते हैं। किसानों से हमारा अनुरोध है कि इन कार्यों से पीछे न हटे। भारत सरकार और प्रदेश सरकार इस तरीके के व्यवसायों के लिए युवाओं को मौका देगी, रोजगार के साधन उत्पन्न करेगी, क्योंकि देसी नस्ल ही हमें बचा सकती है। अन्यथा WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के केस होने वाले हैं। मैं स्वदेशी कामधेनु गौशाला समिति से ऋषि डोगरा। हम पिछले ढाई वर्ष से लगभग देसी नस्ल की गायों पर जो कार्य कर रहे हैं और इस नस्ल पर कार्य करने का लाभ ये है कि जिस प्रकार से भारत की भूमि और प्रदेश की भूमि जो कि केमिकल युक्त हो चुकी है और आने वाले समय में ये बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बनने लगी है, तो एक किसानों को प्रेरणा देने के लिए कि भारत की जो उच्चतम नस्लें हैं जैसे साहिवाल, राठी, गिर, थारपारकर और रेड सिंधी, इन नस्लों को पालने का लाभ ये रहेगा कि इससे आधारित जो कृषि भी होगी उससे हम धीरे धीरे एक को अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा ये नस्ल जो है इस नस्ल के गाय गोबर गौमूत्र से हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों को तैयार करके अपने आप को एक व्यवसाय के रूप में भी इसको हम ले सकते हैं। और युवाओं से भी हमारा अनुरोध है कि इस तरीके के कार्यों से पीछे ना हटें, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है, अपने आप में सारे कार्यों को संपन्न करने वाला एक जीव है और आने वाले समय में हमें लगता है कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार इस तरीके के व्यवसायों के लिए युवाओं को मौके देगी, रोज़गार के कुछ साधन उत्पन्न करेगी, क्योंकि देसी नस्ल ही हमें बचा सकती है। अन्यथा WHO की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत में सबसे ज़्यादा और अधिकतर कैंसर के केस होने वाले हैं, इसलिए हमारी आसपास के क्षेत्र से सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घरों में भी देसी नस्ल की गायों का पालन करें और उससे आधारित कृषि भी करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से लवली शर्मा की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।